बिस्मिल्माबीनास आई एम टुडे एम आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फाइलम मुल सो डियर स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है इसको स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली एफएससी प्री मेडिकल किया है एंड दे वॉन्ट टू सिक्योर एडमिशन इन एनी मेडिकल फील्ड फॉर एग्ज़ाम्पल इन एम और इन बी फार्मेसी

स्टूडेंट्स कैन वॉच दिस वीडियो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इसमें डिफरेंट बुक्स से मेटीरियल कम्बाइन कर दिया गया है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कर दिए गए हैं एज वेल एज फॉर कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट जॉब इन डिफरेंट इंस्टीट्यूटो वॉच दिस वीडियो दू आर अपला पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पी पी एस सी खैबून ख्वा के पी पी एस सी एंड बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन बी पी एस सी हैदर्द पब्लिक सर्विस कमीशन एफ पी एस सी एंड सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एस पी एस सी जो स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स ये कम्पेटिव एग्जाम्स देना चाहते हैं फॉर दिक्योरिंग अ गवर्नमेंट जॉब सो दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो इट वी वेरी हेल्पफुलॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स सो जो बातें और जो हम इसमें डिस्कस करेंगे It includes the gender characteristics of the phylum mollusca and classification of phylum mollusca, then form and function of phylum mollusca. And the uh, material in slides may add, kia gaya hai, it has been taken from different source books like the FSC Biology, Federal Biology, Zoology Miller and Harley, specifically the 5th and 10th edition, Hickman Zoology, Campbell Biology and Ravan Biology. सो स्टूडेंट्स दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट दिस ट इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओके और इस टॉपिक के एंड पे बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज और क्वेश्चन भी एड कर दिए गए हैं फॉर योर प्रैक्टिस एज वेल एज फ्राम टू थाउजेंड वन टू टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो जोलॉजी के लिए एडमिशन टेस्ट और यू कैन से टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन हैं रिलेटेड टू फायलमस का वो भी इस टॉपिक के एंड पे डिस्कस कर दिए गए हैं ओके जी सो लेट स्टार्ट अ टॉपिक फर्स्ट ऑफ रिमेंबर वन थिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास हर फाइलम की वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज वेल एज क्लासिफिकेशन द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड देयर एग्जांपल्स ओके यू नीड टू फोकस ऑन दीस पॉइंट्स Uh, और कुछ uh, ऐसी स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज आपने कभी नहीं सुनी होती वो हर फाइलम के लिहाज से स्पेसिफिक होती हैं वो टर्मिनोलॉजीज जहाँ भी, भी आपको यहाँ जो है वो नजर आए ये टर्मिनोलॉजीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है इसको साथ साथ डिस्कस हम करेंगे ओके दैन विल डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग क्लासेस क्लास गेस्ट इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्लास पाई क्लास क्लासोपोडा रिलेटेड टू फो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट दैरक्टरिस्टिक्स तो मोलस्कुल करेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बॉडी को डिस्कस करेंगे जी कि बॉडी के जो है ना वो दो बेसिक पार्ट्स हैं हेड फुट और दूसरा है जैसे हमें डायग्राम में, में नजर आ रहा है ठीक है इसका हेड और फुट ठीक है ये एक स्पेसिफिक रीजन है एंड देन ये विजरल पोर्शन है जहां पे इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन जो है वो लोकेटेड है ओके okay, जी देन अ फ्लैशी टिश्यू जिसे हम कहते हैं मेंटल इट कवर्स द विजल मेस ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे मेंटल ठीक है ये एक फ्लैशी टिश्यू है ये कवर करता है इस हैल कैविटी को जहां पे स्पेसिफिक विजरल ऑर्गन हैं तो इस विजरल कैविटी को मेंटल ने कवर किया हुआ है ओके एंड देन मेंटल का एक इंपॉर्टेंट काम होता है कि मेंटल जो है वो शेल सिक्रिएट करता है ऑन इट्स अबव सरफेस ओके सो अपने से ऊपर वाली साइड पे ये एक शेल को सिक्रिएट करेगा और ये जो शेल है वो कल कैरियर साइड मीन ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है ओके बॉडी इज बायोलेट्रली सिमेट्रिकल ठीक है जो मोलस्क है इनकी बॉडी बायोलेट्री सिमेट्रिकल होती है और ये सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं बॉडी अनसेगमेंटेड है इनकी ठीक है एंड सिलोम इज रिड्यूस टू कैविटीज सराउंडिंग द हार्ट नेफ्रीडिया एंड नेट ओके तो इनके विजरल ऑर्गन हैं हार्ट कोनेट एंड नेफ्रीडिया तो जो विजरल जो इनके पास सिलोम है सिलोम इन स्पेसिफिक ऑर्गन के अराउंड प्रेजेंट है ठीक है

एंड आर टंगाइक ऑर्गन जिसे हम कहते हैं रेड्यूला के माउथ में एक टंग लाइक ऑर्गन है जिसे हम रेड्यूला कहते हैं ठीक है तो ये प्रेजेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इम्पॉर्टेंट है वो इसका हर एक करेक्टर है ये जनरल करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली पॉइंट पूछे जाते हैं रिलेटेड टू द बॉडी पार्ट ऑफ द मोलस्क ठीक है दो बॉडी पार्ट है उनके नाम जो है यू नीड टू मेमोराइज दीज नेम एंड देन Uh, ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि जो शेल है उसको कौन सी क्रिएट करता है और उसकी क्या कम्पोजिशन है तो शेल जो है उसको मेंटल कैविटी से क्रिएट करती है ठीक है, है और कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना हुआ है देन ये क्वेश्चन आ जाता है जी मोलस्क की सिमिट्री के बारे में तो जो मॉलस्क हैं दे आर हैविंग द बायोलिट्रल सिमिट्री ठीक है फिर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मॉलस्क जो तो हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है बट एक इनकी क्लास है जिन है जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम ये है, है? -like डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रेड्यूला व्हाट इज रेड्यूला रेड्यूला के बारे में कुछ हम पॉइंट देखेंगे यहाँ पे रेड्यूला ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है रेड्यूला का ठीक है टंग लाइक ऑर्गन है Uh, यानी ये बाहर निकल सकता है माउथ से टंग लाइक -like ऑर्गन है एंड इट इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल द मॉलस्क लेकिन यहाँ पे दो क्लासेस हैं जिनमें एबसेंट है रेडूला एक तो बाई वॉल्व है और दूसरी है गैस्ट्रोपोडा सो रिमेंबर वन थिंग दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि बाई वॉल्व और गैस्ट्रोपोड्स के इल्ला वापा बाकी सब जो क्लासेस हैं हमारे पास मोलस की उनमें रेडुला प्रेजेंट है ठीक है सिर्फ इन दो क्लासेस में है. Teeth, ठीक है? तो ये एक काइटीनियस बेल्ट है इसके ऊपर ठीक है रेडुला रेडुला एक्चुअली है क्या एक काई काई बेल्ट है और फिर पोस्टीरियरली करव टीथ इसके ऊपर ये प्रेजेंट है जो आपको नजर आ रहे हैं ठीक है एंड रेडुला जो है वो इट लाइज ओवर अ फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं जी ओडोनटो फोर रेडुला जो है वो एक फ्लैशी टंग लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट है ठीक है इसे हम कहते हैं ये कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है रेडुला का क्या फंक्शन होता है स्क्रैप पायर्स टीयर और कट द पार्टिकल्स ऑफ फूड ठीक है यानी टीयरिंग करना, करना उनकी उनकी ब्रेक डाउन करना ओके नाउ फुट फुट को हम देखते हैं ये लोअर रीजन है हमारे पास फुट का ये फुट जो है बॉडी के वेंट्रल वेंट्रल साइड साइड पे पे है -like है पे है लाइक स्ट्रक्चर इसकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और इसमें जो मूवमेंट होती है वो मस्कुलर uh, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से होती है एंड इट मे बी वेरियसली वेरियसलीड फिट फंक्शन फंक्शन क्या हो सकते हैं अटैचमेंट करवाना ठीक है एंड देन अटैचे फुट ऑफ वॉल्स फॉर द लोकोमोशन इनकी लोकोमोशन भी करवाता है

एंड बिटवीन द मेंटल एंड द फुट इज अस जिसे मेंटल कैविटी कहा जाता है ये मेंटल है और ये फुट रीजन है तो इसके दरमियान ये हमारे पास स्पेस है जिसे हम मेंटल कैविटी कहते हैं ठीक है ये ब्राउन वाला जो रीजन है मेंटल कैविटी अब उस मेंटल कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट है या लंग्स हैं एज यू कैन सी ही ठीक है तो मेंटल और फुट के दरमियान मेंटल कैविटी प्रेजेंट है और मेंटल कैविटी में ये गिल्स प्रेजेंट हैं लोकेशन भी आपको इसकी प्रॉपर नजर आ रही है और कुछ स्पीशीज में जो है वो लंग्स होंगे इन प्लेस ऑफ गिल्स फॉर दरेशन ओके जब हम शेल को देखते हैं तो जो शेल है मॉलस का इसको कौन सिक्रीट करता है इसको सिक्रीट करता है मेंटल ओके एंड इट इज सिक्रीटेड इन थ्री लेयर बेसिकली जो शेल है उसकी थ्री लेयर्स होती है एक तो बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसे हम कहते हैं लेर uh, है प्रोटीन से मिलकर बनी हुई है और बिल्कुल आउटर मार्जिन पे प्रेजेंट है एंडल एयर the इसे हम कहते हैं प्रिस्मैटिक लेयर और ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी हुई है ठीक है एंड देन दर्ड वन इज द इनर मोस्ट लेयर दैट इज नोन एज द नेक्स लेयर ठीक है और ये भी कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी होती है और ये जो नेक्स लेयर है ये ही नेक्कर को सिक्रीट कर दी होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पर्यट ठीक है ये कुछ मॉल्स की स्पीशीज है वो पर्ल्स भी बनाती हैं मोती बनाती हैं तो पर्ल्स को सिक्रीट करने में नेकर का इंपॉर्टेंट रोल होता है है तो ये पॉइंट भी बहुत है जी शेल और उसकी लेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है आउटर मोस्ट लेयर क्या है उसकी कम्पोजिशन देन मिडल लेयर एंड देन इनर मोस्ट लेयर और उनकी कंपोजिशन ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू देयर द देश ओके जी अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम फायलम का देखते हैं पहले तो जो फाइलम है इसको डिवाइड किया गया है एट क्लासेस में द फर्स्ट वन इज द गैस्ट्रोपोडा सेकेंड वन इज द क्लास बाई क्लास क्लासोपोडा फोर्थ वन इज द क्लास पोली फिफ्थ वन इज द क्लास कैफोपोडा सिक्स वन इज द क्लास मोनोप्लेकोफोरा

जो कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट मैंशन की गई हैं ठीक है सो so, uh, मैंने पूरी कोशिश की है कि डिफरेंट बुक्स में जो मैंशन की हुई हैं डिफरेंट नंबर ऑफ स्पीशीज यहाँ पर इनको कोट किया जाए ठीक है ताकि अगर आपको एम सी क्यू तरह से आ जाता है uh, कि एक जो उसका आंसर है करेक्ट आंसर एक बुक से दिया गया हो और जो रिसेंट एडिशन है और जो प्रीवियस एडिशन हैं आपके जहन में वो हो तो यहाँ पे मैंने uh, जो है मोस्ट इम्पोर्टेंटली मिलर एंड हार्ले कि फिफ्थ और टेंथ एडिशन की स्पीशीज वो यहाँ पे डिस्कस कर दी है ठीक है एंड देन दिंग इज की आपने देखना है इन क्लासेस का मतलब क्या है ठीक है classes को नाम क्यों दिए गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इनको नाम दिए गए हैं ना वो इनमें uh, दिए गए हैं कि प्रेजेंट है, है किसी में शेल एबसेंट है ठीक है किसी में इंटरनल शेल है किसी में एक्सटर्नल है एंड देन किसी में शेल जो है वो सिंगल होता है किसी में क्रनिकल शेप शेल है किसी में जो है वो एट प्लेट्स में डिवाइड हुआ हुआ है शेल तो इन सब की बेस पे क्लासेस को किसी में दो वॉल्स हैं यानी दो पार्ट्स हैं शेल के ठीक है जैसे क्लास बाई वॉल्विया है इस तरीके से आपने इन क्लासेस के नाम जो है वो जहन में रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू तो देयर शेल उनकी शेल की कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन सब क्लासेस में आपने देखना है इनकी स्पीशीज को ठीक है कि हर क्लास में कौन सी स्पीशीज आ रही हैं एंड देन एट द एंड आपको इन क्लासेस का कंपैरिजन करना है कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है या आप कह लें कि इनके करेक्टरिस्टिक्स का कंपैरिजन करना है रेडुला किसमें प्रेजेंट है किसमें एबसेंट है ठीक है एंड इस तरीके से आप इनको कंपैरिजन करके करेंगे तो ये जो इनकी क्लासेस हैं इन की जो नंबर ऑफ स्पीशीज इनमें शेल की क्या कंडीशन है इनमें रेडुला प्रेजेंट है एब्सेंट है इसमें कौन सा लार्वा बनेगा ठीक है एंड देन इनके एग्जाम्पल्स ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है you need to memorize and you need to focus on these points specifically okay so here is the uh, chart of the miller and harley fifth edition uh, that is showing the classification of this phylum mollusca it includes the seven classes theek hai inko hum detail mein discuss karenge then according to 10th edition यहाँ पे सिर्फ एक चीज जो है वो एक सेकंड uh, नाम जो है वो एक क्लास uh, को दे दिया गया है ए प्लेकोफोरा जो क्लास है हमारे पास उसको सिलेनो भी कहा जाता है और टेंथ एडिशन में यही नाम इसका लिखा गया है ए प्लेकोफोरा के नाम से इसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया ठीक है तो आप इसके दोनों नाम जो है वो मेमोराइज uh, करेंगे क्लास ए प्लेकोफोरा और क्लास सोलेनो ओके okay? तो ये इसमें डिफरेंस है बाकी जो स्पीशीज का डिफरेंस है नंबर ऑफ स्पीशीज का इसको नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं ओके okay जी सो द फर्स्ट क्लास इज द क्लास गैस्ट्रोपोडा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ठीक है एंड इसमें जो स्पीशीज है इट इंक्लूड्स दी कुछ स्पीशीज के नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं फर्दर आपको आगे भी मिल जाएंगे okay? uh, the okay? so, नरिटा ओके और एंड देन दी हेलिक्स ओके एंड हेलिक्स तो जो नोट जो ऑर्थेलिकुलस है ये एक्चुअली ए सीपिया है uh, है ठीक है तो नेरिटा और थेलिक्यूलस एंड हेलिक्स ऑर्थेलिकुलस जो है ये साइंटिफिक नेम है हमारे पास स्क्विड का ऑलमोस्ट थर्टी फाइव थाउजेंड स्पीशीज हैं इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल है जी क्लास जीट्रोपोर्डा के कुछ जनरल को हम देख लेते हैं इनमें एक पेयर ऑफ आईज है टू पेयर ऑफ टेंटिकल्स हैं ठीक है तो इनका शेल है वो कॉइल्ड है जैसे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है देन इनमें टोर्जन का प्रोसेस होता है ये हम डिस्कस करते हैं कि टोर्जन एक्चुअली में क्या प्रोसेस है एंड फुट इनका लार्ज और फ्लैट है एज यू कैन सी हियर Found in all habitats, हर तरह के के हैबिटेट में ये ये पाए जाते हैं। ठीक है? Parasites के लिए ये intermediate host का काम करते हैं ठीक है ओके ना, वॉट इज टोर्जन टोर्जन क्या है जी टोर्जन जो है इट इज अटी डिग्री काउंटर क्लॉक वाइज ट्विस्टिंग ऑफ दिजर मैस मेंटल एंड मेंटल कैविटी डूरिंग द लार्वल डिटके जब एक ऑर्गेनिज्म की डिवेलपमेंट हो रही है ठीक हैटल हो है, है, है और जो मेंटल कैविटी है ये वन एट्टी डिग्रीज के अराउंड काउंटर क्लॉक वाइज ट्विस्टिंग होती है ठीक है एंड इसकी वजह से होता क्या की बॉडी के कुछ ऑर्गन जो है वो रिपोजिशन हो जाते हैं इनकी पोजिशन चेंज हो जाती हैं तो टोर्जन पोजिशन दिल्स एनस एंड ओपनिंग्स फ्रॉम एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जस्ट बिहाइंड ओवर द हेड इसका फायद इसका जो है ना ये रिजल्ट होता है इसे गिल्स आ, और एनस और जो एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स की ओपनिंग्स हैं ये हेड के करीब जाके ओपन होती हैं ठीक है एज यू कैन सी हेयर ये फर्स्ट है और उसके बाद टोर्जन uh, के बाद इनकी जो पोजीशनिंग है ये आप देख सकते हैं गिल्स की ओपनिंग नियर द माउथ एंड देन यू कैन सी हियर द इनटू मेंटल कैविटी ठीक है माउथ के करीब इनकी ओपनिंग्स है मोस्ट इम्पोर्टेंटली और इसके रिजल्ट में होता क्या है जो डाइजेस्टिव और जो नर्वस सिस्टम है वो यू शेप में कन्वर्ट हो जाता है so यू शेप में और एज वेल एज इनका नर्वस सिस्टम भी यू शेप में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है इनिशियली यहाँ पे आपको स्ट्रेट जो है वो नजर आ रही है चीजें टोरियन जो है इसके तीन एडवांटेजेस हैं एक एडवांटेज ये है विद्रॉल इन टू द शेल ठीक है ये, ये टोरियन के प्रोसेस की हेल्प से जो गेस्ट्रोपोर्ट हैं वो अपने शेल में विदड्रॉ कर सकते हैं शेल के अंदर बाहर मूव कर सकते हैं ठीक है एंड देन एंटीरियर ओपनिंग ऑफ द मेंटल कैविटी अलाउज द क्लीन वाटर फ्रॉम फ्रंट टू एंटर इट ठीक है तो क्लीन वाटर की बॉडी में मेंटल कैविटी में एंट्री को भी ये अलाउ करता है प्रोसेस

आ, इस फिनोमिना में भी आ रही होती है जिसको हम कहते हैं एक और ठीक है मोल्टिंग तो में यूजली तो एनिमल्स जो है वो अपना एक्सटर्नल शेल उसको आ, गिरा देते हैं नीचे लेकिन जो मोलस्क हैं जो स्नेल्स हैं क्या करते हैं कि एक्सटर्नल शेल क्योंकि शेल जो है इनकी ग्रोथ में रुकावट पैदा करता है तो एक नया शेल बनाते हैं वो नीचे वाली साइड पे रहता है और जो ओल्डेस्ट शेल्स हैं वो ऊपर ऊपर मूव करते जाते हैं तो इनमें जो है वो एक वर्ल्ड सा क्रिएट हो जाता है ठीक है एक जो है वो कलेक्शन क्रिएट हो जाती है वो आपको रिंग्स की फॉर्म में इसका पूरा शेल ऊपर नजर आ रहा होता है ठीक है और कि जीना लोको मोशन अगर हम देखें तो ये क्रीपिंग करते हैं अक्रॉस द सबस्ट्रेट स्ट्रेट सीलिया भी है इनके पास ठीक है फॉर प्रोपेलिंग ओवर द म्यूकस ट्रेल एंड लार्जर कैस्ट्रोपोर्ट्स यूज द वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन की हेल्प से भी मूवमेंट शो करते हैं फिर इनके पास फुट भी है जो कि इनको क्लिंगिंग में हेल्प करता है ठीक है लिम्पेट्स uh, जो है वो इसकी हेल्प से क्लिंगिंग करते हैं और जो सी हेयर्स हैं वो इसकी हेल्प से स्विमिंग करते हैं ठीक है फीडिंग एंड डाइजेशन की अगर हम बात करें तो द एंटीरियर पोर्शन है कि डाइजेस्टिव ट्रैक का इट हैज बीन मॉडिफाइड इनटू प्रोबोसिस ठीक है तो प्रोबोसिस एंड प्रोबोसिस में ही रेड्यूला प्रेजेंट होता है जो कि टंग लाइक स्ट्रक्चर है

ये इनका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इनकी ठीक है माउथ है माउथ में इनके प्रेजेंट है प्रोबोसिस प्रोबोसिस में रेड्यूला है देन यू कैन सी हियर फर्दर ये स्टमक है और स्टमक और इंटेस्टाइन के मार्जिन पे एक प्रोटोस्टाइल प्रेजेंट होता है प्रोटोस्टाइल में कुछ म्यूकस वगैरह रिलीज होता है ठीक है जिसकी हेल्प से जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो वहां पे ट्रैप आउट हो जाते हैं ठीक है ट्रैप होने के बाद फिर फर्दर उन्हें बेच दिया जाता है डाइजेशन के लिए और यहाँ पे एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि एंजाइम्स को रिलीज कर रहा होता है ताकि फूड के पार्टिकल्स यहाँ पे डाइजेस्ट हो सकें गैस एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इनमें मेंटल कैविटी इन्वॉल्व होती है गैस एक्सचेंज में ठीक है जो प्रीमेटिव टू गिल्स और जो मॉडर्न वन है उनमें एक गिल लॉस्ट हो गया है क्योंकि इनके शेल की कॉयलिंग हो चुकी है ठीक है मॉडर्न गेस्ट्रोपोर्ट की शेल कॉलिंग की वजह से एक गिल इनका लॉस्ट हो चुका है सो दे हैविंग ओनली सिंगल गिल ओके okay, जी सम हैव अ रोल्ड एक्सटेंशन ऑफ मेंटल जिसे हम कहते हैं साइफन साइफन जो है ये एक, एक, एक इनहेलेंट का काम करता है ठीक है वाटर की एंट्री के लिए मेंटल कैविटी की जो है एक ओपनिंग होती है यहाँ पे साइफन को मेंशन नहीं किया गया मेंटल कैविटी की एक ओपनिंग है ठीक है वहीं से ही वाटर एंटर भी होता है रिलीज आउट भी होता है तो उसे हम साइफन कहते हैं एक्चुअली सो गिल्स आर लॉस्ट और रिड्यूस्ड इन लैंड स्नेल्स लैंड स्नेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये लैंड स्नेल्स में जो है वो गिल्स लॉस्ट और रिड्यूस्ड ओके

का काम करता है इनहेलेंट ट्यूब है ये ठीक है और लैंड स्नेल्स में गिल्स एबसेंट हैं तो लैंड स्नेल्स की जो गैस एक्सचेंज या रेस्परेशन का फिनोमिना है 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 वो मेंटल मेंटल कैविटी के के थ्रू होता है, के थ्रू होता होता ठीक सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो सब में ओपर सर्कुलेटरी सिस्टम है ठीक है हार्ट है इनके पास और हार्ट में जो है एक सिंगल वेंट्रिकल और टू ऑरिकल्स प्रेजेंट हैं ओके एंड दे हैव लॉस्ट वन मेंबर ऑफ द पेयर ऑफ ऑरिकल्स बिकॉज ऑफ कॉलिंग हाइड्रोलिक स्केलेटन कॉन्सिस्ट ऑफ फ्लडर द प्रेशर दैट मे बी कंफाइन टू टिश्यू स्पेसिस इनमें हार्ट प्रेजेंट होता है इसमें एक सिंगल वेंट्रिकल है और दो ऑर्डिकल है ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओके जी नर्वस सिस्टम एंड सेंसिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो गैस्ट्रोपोर्ट्स में सिक्स गैंगलिया प्रेजेंट है ठीक है इन दी हेड फूट एंडल मेस रीजन टोटल सिक्स गैंगलिया में प्रेजेंट है ठीक है में एक और एक पेयर है एक फुट में है और एक जो है एट द बेस और बेस और एट द एंड ऑफ दिन स्ट्रक्चर होते हैं फुट में प्रेजेंट है ऑस्फ्रेडिया है ये मेंटल कैविटी में प्रेजेंट है मेंटल कैविटी वाटर को डिटेक्ट करने के लिए वाटर क्वालिटी को चेक करने के लिए एक्सक्रीटिव सिस्टम की अगर हम बात करें सो दे आरिंग टू नेफ्रीडिया जो प्रिमिटिव है दो नेफ्रीडिया है और जो मॉडर्न है उनमें एक ही नेफ्रीडिया है ठीक है एंड जैसे हमने देखा कि जो हमारे पास तो, गैसियस एक्सचेंज में गिर थे जो प्रिमिटिव स्पीशीज थी उनमें दो थे और जो मॉडर्न वन है उनमें एक है इसकी रीजन ये है टोर्जन हो चुकी है शेल को प्रोसेस हो चुका है एंड नेफ्रीडियम uh, जो है वो एक इनमें जो है वो नेफ्रीडियम ओपन आउट होगा मेंटल कैविटी में ठीक है एंड एक गेस्ट्रोपोर्ट है वो सिक्रिएट करते हैं अमोनिया को और जो टेरिस्टियल स्नेल्स हैं वो यूरिक एसिड रिलीज करते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पानी में रहते हैं अमोनिया सिक्रीट करेंगे और जो टेरिस्टियल स्नेल्स हैं ठीक है जो लैंड स्नेल है वो सिक्रीट करता है जी यूरिक एसिड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट की बात करें सो दे आर हैविंग सेपरेट सेक्सेस ठीक है फिजरल कैविटी में है एंड देन द द डिस्चार्ज सी और इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है ठीक है कुछ स्पीशीज जो हैं मोनो एशियस बी हैं मैनी स्नेल्स कुछ स्नेल्स हैं वो मोनो एशियस हैं और इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है एंड इनमें जो है वो डेवलपमेंट के दौरान एक लार्वा बनता है जिसे हम ट्रोकोफोर लार्वा कहते हैं एज यू कैन सी इन द डायग्राम ओके जी ट्रोकोफोर लार्वा डेवलप इन टू एनअर फ्री स्विमिंग लार्वा जिसे हम कहते हैं विलेजर लार्वा ये एक विलेजर लार्वा है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसके पास फुट है आइज हैं टेंटिकल्स और शेल है ठीक है सो यू कैन सी हियर फुट है इसके पास फिर इसमें आइज हैं टेंटिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी के इंटीरियर साइड पे और शेल भी इसमें प्रेजेंट है तो ये एक विलीजर लार्वा है ओके

तो ये लार्जेस्ट ग्रुप है गैस्ट्रोपोर्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ठीक है जो प्रोजो ब्रेंकिया है ये लार्जेस्ट ग्रुप है गैस्ट्रोपोर्ट्स का विध ट्वेंटी थाउजेंड स्पीशीज एंड मोस्टली मेराइन है ठीक है हैं फीडर्स हैं या कार्निवर्स भी हो सकती हैं इनकी कुछ स्पीशीज और इसमें एक्सम्पल्स हैं मेराइन स्नेल्स एबेलोन एंड हेटरपोर्ट ओके तो यहाँ पे एक मेराइन स्नेल की जो है वो आपको एग्जाम्पल दी गई है देन दि सब क्लास ऑफिस्थो ब्रेंकिया और ये तो ब्रेंकिया जो है ये मोस्टली मेराइन है विद 2000 स्पीशीज ओके इनमें शेल मेंटल कैविटी और गिल्स ये सब एब्सेंट हैं सो रिमेंबर वन थिंग इनमें शेल मेंटल कैविटी और गिल्स ये सब एब्सेंट हैं एंड इसमें एग्जांपल्स हैं हमारे पास सी हियर्स सी स्लज एंड टेरोपॉड सो यू कैन सी हियर द एग्जांपल ऑफ सी स्लज ओके क्लास पल्मोनेटा पल्मोनेटा जो है इट कंटेन्स अबाउट सेवेंटीन थाउजेंड ओके? ये फ्रेश वॉटर भी हैं, एंड है, uh, ये हर्बी वोर्ड्स है प्लांट okay? मटीरियल है, और जो मेंटल कैविटी है इनकी वो ही लंग का काम कर रही होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब क्लास पलमोनेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी जो मेंटल कैविटी है इट सर्व एज आ लंग और इसको हम पलमोनेट बी कहते हैं ठीक है okay? The mental cavity serves as a lung. इसको हम pulmonary भी कहते हैं। And air moves in and out of the opening of the mental cavity जिने हम pneumostomes कहते हैं। Terrestrial sludge इसमें example है as you can see here. This one is the example of terrestrial sludge. ठीक है। so Number of species के point of view से भी देखें तो we 20,000 species तो हमारे पास यहाँ पे first class थी और वो जो है वो largest class है gastropoda की। Okay जी अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास दैट वन इज द क्लास ऑफ फाइलम मोलस्का और इसमें जो हैं इट एनोडोंटा माइटिलस विनस ओके इनक्लूड्साइटिलस विजेंड स्पीशीज तो क्लास फाइव वॉल्विया को अगर हम देखें तो इनकी जो बॉडी है वो लिटरली कंप्रेस्ड है नो डिस्टिंग रेडूला इनके पास कोई स्पेसिफिक हेड और स्पेसिफिकेडूला नहीं है ठीक है क्लास बाई वॉल्विया और गैस्ट्रोपोडा दोनों में जो है वो हमारे पास हम देख चुके हैं

Okay, the oyster, the ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं क्लास बाई इनके कॉमन नेम्स हैं और इनके साइंटिफिक नेम्स हैं वो ऑलरेडी इसकी स्टार्ट में डिस्कस कर दिए गए हैं शेल इन दी बाई वॉल्व ओके तो जो शेल है इसमें टू कन्वेक्स हाफ प्रेजेंट होते हैं जिन्हें वॉल्व कहते हैं see, इनका जो शेल है उसमें दो वॉल्व प्रेजेंट है ठीक है और ये जो इनका शेल है इसमें एक डोरसन मार्जिन होता है जो प्रोटीनेशियस हिंज से मिलके बना होता है ठीक है और मॉडिफिकेशन ऑफ शेल से इनमें तीत बनते हैं जो ओल्डेस्ट पार्ट है शेल का उसे हम अम्बो कहते हैं और एडेक्टर मसल्स हैं एट इधर एंड ऑफ द डोरसल हाफ मेंटल अटैच द शेल अराउंड द एडेक्टर मसल्स एंड इफ अ सैंड ग्रेन और अ पैरासाइट लॉज बिटवीन द शेल यानी अगर इसके शेल के जो दो वॉल्व हैं यहाँ पे कोई रेत का जरा वगैरह ठीक है कोई पैरासाइट वगैरह यहाँ आके ट्रैप हो जाए तो जो इनके मेंटल की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है नेकर लेयर ठीक है नेक्रियस लेयर तो वो इन सिक्रीट करती है मेंटल सिक्रीट स नेकर अराउंड इट और उसे जो है वो एक पर्ल बन जाता है ठीक है अगर इनके शेल में इनके दो वॉल्स के दरमियान

और फिर सीलिया मूव वाटर इन टू चैनल्स ठीक है और वाटर एंटर होगा गिल्स में थ्रू पोर्स और फिर जो है वो वाटर uh, से पोर्स से मूव कर जाएगा फर्दर ट्यूब्स में और फिर वहां पे जो है वो गैसेस का एक्सचेंज होगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बिटवीन द वाटर एंड द ब्लड ओके फिर इनमें वाटर एग्जिट के लिए एक सुपरा प्रांकीय चैम्बर है और वहां पे एक ओपनिंग है जिसे हम कहते हैं एक्स करंट ओपनिंग एज सी तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैंट ओपनिंग फीडिंग एंड अगर हम बात करें तो इनमें एसोफेगस है ठीक है और एसोफेगस से फिर एक म्यूकोइड फूड स्ट्रिंग जो है इट एक्सटेंड्स इनटू द स्टमक एसोफेगस फेगस इनमें प्रेजेंट है एज वी कैन सी हियर एंड uh, यहां से फर्द स्टमक है ठीक है और स्टमक की आपको एक एक्सटेंशन दिखाई गई है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइन स्टाइल सो इट प्रोजेक्ट इन टू द स्टमक फ्रॉम द डायवर्टिकुलम और इसे हम कहते हैं स्टाइल सेक एंड सीलिया ऑन द स्टाइल सेक ये रोटेट करेंगे एंड दगेंस्ट आईटीनाइज गैस्ट्रिक शील्ड और इससे क्या होता है जो कोर्स पार्टिकल्स होते हैं दे आर सेंट टू द इंटेस्टाइन ठीक है फूड के जो पार्टिकल्स हैं फिर यहाँ से ट्रैप होने के बाद उसको फर्दर द इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है ठीक है देन यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि सिक्रीट करेगा एंजाइम्स uh, को फॉर द इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड सीलिया कैरी द अनडाइजेस्टिड वेस्ट टू द ग्लैंड एंड देन बैक टू स्टमक इंटेस्टाइन ठीक है

एंड इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट के लिए पहले ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा विलेजर लार्वा में और फिर लार्वा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है एक थर्ड स्टेज में जिसे हम कहते हैं और को आप ऑलरेडी भी देख चुके हैं गेस्ट्रोपोर्ट में तो ये हमारे पास जो तो है ये ग्लोचीडियम स्टेज दिखाई गई है तो मोस्ट फ्रेश वॉटर बाई वॉल्व है ये फिनमिनल होता है फ्रेश वाटर बाई वॉल्व में दे ब्रूड देअर यंग टू अ मोडिफाइड विलेजर स्टेज

Okay, with 550 तो में क्या है मस्कुलर मेंटल है ओके मेंटल दैट इज मस्कुलर एंड शेल इज एक्सटर्नल एंड वेल फॉर्म और इंटरनल एंड रेड्यूस्ड यानी कुछ स्पीशीज में शेल प्रेजेंट भी है और कुछ में एबसेंट भी है फिर इनमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है सो so, आप इसकी जो सी सी फोर सिफेलो पोडर एंड सी फोर क्लोज सो इससे आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं इसको हम पहले भी देख चुके हैं कि तमाम में जो है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एक्सेप्ट दी एक्सेप्टो फोर सो एग्जाम्पल्स इंक्लूड द ऑक्टोपस कटल फिश सिक्विड एंड नाउटिलस द फर्स्ट वन इज द ऑक्टोपस ओके देन दटल फिश एंड नाउटिलस एंडक्ट ओके एक्सैम्पल्स ऑफ द्लासैलोपोडा अब हम इनके शेल को देखते हैं तो जो नाउटिलस है उसमें एक्सटर्नल प्रेजेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसमें किस टाइप का शेल होगा इनके शेल में वैरायटी पाई जाती है नाउटिलस में एक्सटर्नल शेल है ठीक है कटर फिश में इंटरनल शेल है और जो हमारे पास जो है वो इसका शेल उसको हम कटल बोन भी कहते हैं इंटरनल होता है ठीक है सुक्विड में जो शेल है वो रिड्यूस्ड है या इंटरनल है ठीक है एंड काइटीनियस स्ट्रक्चर है जिसको हम पेन कहते हैं सिक्विड का जो शेल है वो रिड्यूस्ड होगा इंटरनल होगा उसे हम पेन भी कहते हैं ओके एंड जो ऑक्टोपस है उसमें शेल एबसेंट है बिल्कुल फीटिंग एंड रजेस्टन की अगर बात की जाए तो इनमें जॉल्स हैं विद रेडूलाज यू कैन सी यस हैं विद रेडूलाडर रेडूला है उसके ऊपर जॉल्स प्रेजेंट है एंड मोस्टली जो ऑक्टोपोस है वो नोटर्नल है और इनके पास कुछ भी होते हैं ये क्या करती है अपने प्रे को किल करती है बाय बाइटिंग ठीक है इसको काटती है एंड डाइजेशन इनकी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है स्टमक है इनमें सेकम भी प्रेजेंट होता है ओके एंड नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम या हार्ट इनका जो है इसमें टू हैं और वन वेंट्रिकल प्रेजेंट है एंड्रेक्टल हार्ट ठीक है इनमें और इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल आर्ट्रीज एंड स्ट्रक्चर्स है जिन्हें ब्रेंकियल हार्ट भी कहा जाता है ठीक है नर्वस सिस्टम और सेंसिव स्ट्रक्चर की बात करें so, इनका जो नर्वस सिस्टम है वो मोस्ट डिवेलप्ड है रिमेंबर वन थिंग इनका नर्वस सिस्टम जो नर्वस सिस्टम है तो अगर हम सारे के सारे इनवर्टिब्रेट्स को भी देख लें हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े हैं उन सब में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो मोस्ट डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है वो किस इनवर्टिब्रेट का है वो है जी हमारे पास क्लास सिफेलोपोर्डा के मेंबर्स का जिसमें ऑक्टोपस आ जाती है ठीक है ब्रेन जो है इनका लार्ज होता है और इसमें जो है वो गैंगलिया भी प्रेजेंट होते हैं एंड आईज हैं ऑक्टोपस के पास कटर फिश के पास स्क्विड्स के पास ठीक है और इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल वर्टिबेट की आईज की तरह ही है और इनमें जो आई का लेंस है वही हेल्प करता है इमेज फॉर्मेशन में एंड लेंस जो है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट भी शो करता है ठीक है इमेजेस में ही इमेजेस बनाने में भी इसी लेंस का रोल है ओके okay? And Nautilus eye a lens. तो इसमें एक मोडिफिकेशन uh, यह है कि जो नाउटिलस स्पीशी है इसमें एंड ऑफ्रेडिया दे आर प्रेजेंट ओनली इन नाउटिलस और किसी स्पीशी में नाउटिलस जो ऑफ्रेडिया है वो प्रेजेंट नहीं है लेकिन नाउटिलस में प्रेजेंट है ठीक है कलर चेंजेस एंड इंकैंड की अगर हम बात करें तो इनमें कुछ पिगमेंट सेल्स होते हैं जिन्हें क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है एंड वेन मसल्स अटैच टू दीज पिगमेंट्स एंड देयर सेल्स कॉन्ट्रैक्ट तो उस वक्त क्या होंगे क्रोमेटोफोर्स है वो कितनी अपना कलर जो है वो चेंज कर लेते हैं ठीक है कुछ uh, जो कलर चेंजिंग्स हैं इनमें ये हैं इन कम्बिनेशन विद इंक डिस्चार्ज तो यानी जब ये कलर चेंज करते हैं तो कुछ इंक डिस्चार्ज भी करते हैं ताकि इनके जो प्रिडेटर्स हैं उनको एक अलार्मिंग रिस्पॉन्स मिले ठीक है

कंप्लेक्स नर्वस सिस्टम है इनका ठीक है ऑक्टोपस uh, का जो ब्रेन है वो डिफरेंट लोब्स में मोडिफाई हो चुका है हैव बीन टू नेगोशिएट डिस्टिंग्विश साइज़ेस पैटर्न्स तो इनको हम ट्रेन भी कर सकते हैं डिफरेंट इमेजेस डिफरेंट साइज़ेस शेप्स की जो है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए ठीक है दे कैन ऑल्सो रिमेंबर द थिंग्स मीन्स इनमें लर्निंग एबिलिटी होती है एंड इनका जो ब्रेन है ये इंटेलिजेंस के लिए भी उसको यूज करती है कैसे अपने प्रीडेटर से अवॉइड करना है ठीक है और कैसे एक अगर हम ऑक्टोपस की बात करें उसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा बिहेवियर ये होता है कि अगर आप उसको लेबोरेटरी में एक जार में बंद कर दें ऑक्टोपस जो तो है वो उस जार का स्क्रू ओपन करके इजिली बाहर भी रिलीज हो सकती है ठीक है सो दे अवॉयड द प्रिडर्स फॉर यूजिंग देयर इंटेलिजेंस एज वेल

और मेल सिफेलोपोर्ट्स में क्या होता है कि इनका एक टेंटिकल मॉडिफाई हो चुका है ठीक है और इसे हम कहते हैं हेक्टोकोटाइलस एंड इट इज मॉडिफाइड फॉर द स्पर्मेटोफोर ट्रांसफर ड्यूरिंग कॉप्युलेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास सिफेलोपोर्ट्स हैं इनके मेल्स में एक टेंटिकल हेक्टोकोटाइलस कोटाइलस ऑर्गन में मॉडिफाई हो चुका है ताकि स्पर्मेटोफोर्स को ड्यूरिंग कपुलेशन फीमेल की बॉडी में इंजेक्ट किया जा सके ठीक है देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज के सिफेलो पोर्ड्स में जो है वो डायरेक्ट डिवेलपमेंट होती है तो हमने सिफेलो पोर्ड्स में दो तीन पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पड़े हैं एक तो फर्स्ट वन के इनमेंटरी सिस्टम होता है ठीक है एंड देन द the सेकेंड वन इनमें डिवेलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होती है ठीक है नाउर मूविंग टूवर्ड्स द फोर्थ क्लास टेस्ट इज पोलिप्लेक्स में काइटन्स आते हैं हमारे पास एंड uh, जो पोलिप्लेको फोरा पो है इट कंटेन्स okay, अब इन सब क्लासेस जो हैं जो हम फर्दर पढ़ने जा रहे हैं फर्दर uh, classes, इन सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम डिटेल में देखते जाते हैं इनमें क्या चीज होती है और क्या नहीं पहले तीन क्लासेस से हम इनको कंपेयर करते जाएंगे सो दे आर हैड ठीक है इनमें हेड एब्सेंट है रिड्यूस्ड हेड इनका जो फुट है वो फ्लैटेंड होता है ओके एंड शेल है दैट इज डिडेड इन टू The eight dorsal valves, तो पोली का मतलब भी होता है मेनी इनमें मेनी शेल्स है मेनी वॉल्व है टोटल आठ शेल वॉल्व है इनका जो शेल्स है वो तकरीबन तो आठ शेल वॉल्स में डिवाइड हुआ हुआ है ठीक है फिर इनमें क्या है लीनियर सीरीज ऑफ द ग्स प्रेजेंट है इनकी बॉडी में ठीक है सीरीज ऑफ गिल्स प्रेजेंट है इनके पास एंड नर्वस सिस्टम जो है इट तक चार नर्व पोर्स होती है इनमें एंडो रिसेप्टर नियर द माउथ एंड इन द फुट सेक्सिस इनमें सेपरेट है, है? है इन the इन हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इनमें होती है और जो लार्वा है ट्रोकोफोल लार्वा

टस्क टिहाज से कि जो एलिफेंट की आपको आगे टस्क नजर आती है बिल्कुल उसकी तरह का ये स्ट्रक्चर लग रहा है आपको देखने में भी ठीक है सो दैट्स टस्क शेल इनका शेल जो है ये एलिफेंट की टस्क की तरह का होता है हार्ट सी जो बोन होती है इसके बिल्कुल इससे uh, शो करता है दैट्स इनको हम टूथ और टस्क शेल्स भी कहते हैं शेल जो है इनका कॉनिकल है ठीक है ओपन एट बोथ एंड्स दोनों एंड्स पे ये इनका जो शेल है वो ओपन हुआ होता है और उसके इंटरनल पूरे इनके ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं फिर इनमें गिल्स एबसेंट हैं गैस एक्सचेंज के लिए और मेंटल फोल्ड्स uh, की हेल्प से ही इनमें ये मेंटल फोल्ड्स है नहीं की हेल्प से इनमें जो है वो गैस एक्सचेंज हो रही है ठीक है दे हैव रेडूला एंड टेंटिकल्स एंड दे हैव ट्रोकोफोर एंड विलेजर लार्वा नाउ द क्लास मोनोप्लेकोफोरा ओके इसमें एग्जांपल है न्यूपिलिना की हैविंग 25 स्पीशीज तो मोनो मोनो का मतलब होता है एक यानी इनका जो शेल है उसमें सिंगल ही शेल होगा ठीक है सिंगल आर्च प्रेजेंट होता है एज यू कैन सी है है ये रिंग्स नहीं सिंगल एक आर्ड यानी लंबा सा शेल है है okay, so है ठीक ओके जी सो फुट इनका ब्रॉड फ्लैट है एंड दे आर आल्सो हैविंग द रिपीटेड पेयर्स ऑफ गिल्स ये डायशियस हैं और इसमें एक्सैंपल है नियोपिलिना की नाउ वी आर हैविंग द क्लास क्राउडो फॉर ओके इसमें एग्जांपल है कैटोडर्मा और दे आर ऑलमोस्ट सेवेंटी स्पीशीज ऑफ कार्डोफेविएटा अकॉर्डिंग टू मिलर एंड हार्ले फिफ्थ एडिशन एंड वन फिफ्टी स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द मिलर एंड हार्ले टेंथ एडिशन ओके सो देर वर्म लाइक मॉलस्क ठीक है विद अ विदिलड्रिकल शेललेस बॉडी तो जो कार्डोफेविएटा है इनके बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है कि इनके पास कोई शेल नहीं होता ठीक है ये शेललेस बॉडी है इनकी बॉडी विथ स्केल लाइक स्पाइक्यूल्स इनके पास कुछ स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं स्ट्रक्चर्स हैं इनके ठीक है फिर इनमें जो चीजें एबसेंट है वो क्या है आइस टेंटिकल्स स्टेटोसिस्ट क्रिस्टलाइन स्टाइल एंड नेफ्टीडिया ये तमाम स्ट्रक्चर्स इनमें एबसेंट हैं शेल भी एबसेंट है आइस भी टेंटिकल्स भी स्टेटोसिस्ट भी क्रिस्टलाइन स्टाइल भी और नेफेडिया भी ये सब इनमें एबसेंट है ओके कैटोडर्मा इसके एक्सैंपल है ओके नाउ द क्लास ए प्लेकोफोरा या इनको हम भी कहते हैं एंड है विद स्पीशीज तो जो ए प्लेकोफोरा है दे आर ऑल्सो लैकिंग आर शेल ठीक है लेकिन इनकी बॉडी वार्म लाइक नहीं है अब इनमें और कॉडोफेविटम में यही डिफरेंस होता है उनकी बॉडी भी शेललेस है और इनकी भी शेललेस है लेकिन ये वार्म लाइक नहीं है ठीक है इनमें जो है वो रेड्यूला और नेफिडिया प्रेजेंट है और लैक नफीडिया एंड रेडुला कुछ ए में नेफफीडिया और रेडुला नहीं भी होते और वो स्पेसिफिकली सरफेस ड होते हैं फिर ये कार्निफोर्स हैं कार्निवोर्स एंड द फीड ऑन द नाइडेरियन ओके पॉलि okay? जी अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं सो द फर्स्ट वन इज टेस्ट स्ल बिलोंग्स टू दी फ्रांकिया नंबर टू इंटरनल शेल इज प्रेजेंट इन सिफेलोपोडा Number 3 oldest part of the mollusk shell is known as ambo. Number 4 of all the mollusca only dash undergo torsion gastropods. Number 5 the mantle of most mollusks secretes the shell. Number 6 members of each of the following classes are characterized by a shell consisting of eight plates so these are polyplacophorans. Number seven, in most freshwater clams, fertilization is internal and the, the eggs develop into Clothidium larvae. Number eight, commercial pearls are produced by the oysters. Number nine, chitin belongs to the class Polyplecophora. Number ten, the outer layer of the mollusk shell is called the Periostracum. Number eleven, devilfish is the name of octopus. Number 12, all of the following characters uh, would be found in member of class bivalvia except the one. So the bivalvia are not having any radula. Bakit tamam characteristics in me present hoti hai, except radula. Number 13, sepia is commonly known as cuttlefish Number 14, which of the following does not belong to the phylum mollusca? Sea lily. Okay. Number 15, which of the following is called the pearl mother layer? So that is necker.

so the first one is foot is used as an organ of locomotion in which one of the following fresh water freshwater muscle and this question has been taken from 2002 number two open type of blood vascular system is present in mollusks this question has been taken from 2003 number three despite the structural diversities they are characterized by having foot body protected by calcareous shell developing from the mental layer so they are mollusks okay Number five, four, <clears throat> a land snail, a clam, and an octopus all share the mantle. Okay, Submental mantle cavity present here. And this uh, question is in 2011. Mein gaya tha. Number five, sperm storing organ in mollusks is the spermatophore or the spermatica. Number six, which one of the following is non shelled mollusk? So the octopus is non shelled mollusk. Okay, and this question has been taken from 2017. नंबर सेवन द मेजर सिस्टर फाइल ऑफ द आर्थ्रोपोर्ट इज मोलस्का ओके क्योंकि आर्थ्रोपोर्ट्स में भी जो है वो हमारे पास ट्रोकोफोर लार्वा बनता है ठीक है मोलस्क में भी आर्थ्रोपोर्ट्स में भी एक सौ स्केल्टन प्रेजेंट है और मोलस्क में भी और जो मोलस्क हैं वो एक आइनोडोमेटा से भी क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि उनमें भी जो है वो कुछ लार्वल फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं ओके जी

फायदा मोलस का इनकी हमने जनरल करेक्टरिस्टिक्स को देखा फॉर्म एंड फंक्शन और क्लासिफिकेशन को डिटेल में हमने देखा सो इस टॉपिक को जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स फॉर गेटिंग और सिक्योरिंग एडमिशन इन मेडिकल और इन एनी अदर फील्ड रिलेटेड टू मेडिकल दे कैन प्रिपेयर और दे कैन वॉच दिसल जो कि बी पी एस सी एफ पी एस सी बी पी एस सी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं दे कैन ऑल्सो वॉच दिस वीडियो इट वुड बी वेरी हेल्पफुल इनशाला तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अंटल अल्लाह हाफिज